गेमिंग लैपटॉप अंडर वन लैक की अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो ना उस पे आपकी गेमिंग पॉसिबल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड इस बजट के अपने जितने भी गेमिंग लैपटॉप है ना उन सभी पे गेमिंग तो एकदम ही बढ़िया होती है, उस पे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ ही जैसे मर्जी आपने प्रोफेशनल हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हो वो चीज भी एकदम ही स्मूथली होती है इन सभी लैपटॉप पे। देखो अगर आपको भी एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें 165 Hz का रिफ्रेश रेट हो, लेटेस्ट 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर या फिर Ryzen 9 प्रोसेसर चाहिए आपको अपने लैपटॉप में, 16 GB की रैम के साथ एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज और या फिर स्टोरेज का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। 1 लाख के बजट में RTX 3050 ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी बाय नहीं करना, कम से कम 3050 Ti एंड 3060 होना चाहिए अपने लैपटॉप में एंड GPU की TGP भी हाई होनी चाहिए। एंड एक और चीज है कि अगर आपको अपने लैपटॉप में 16 GB रैम से कम रैम मिल रही है उसे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑलराउंडर लैपटॉप अंडर 1 लाख की वीडियो अपलोड की है, तो जिसे भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए एक लैपटॉप बाय करना है तो आप उसे चेक कर लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप एंड सीरियसली यार IdeaPad Gaming 3 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। अराउंड 1 लाख रुपीज इसका करंट प्राइस है, टॉप लेट प्लास्टिक की एंड मेटल बेस है, 16 इंचेस की वन ऑफ द बेस्ट IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है लैपटॉप में, 165 Hz का रिफ्रेश रेट है इसका, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, टोटली गेमिंग डिस्प्ले है। एंड गेमिंग के साथ भी अगर आपने ग्राफिक्स का काम करना है या फिर आपने एडिटिंग करनी है तो उसके लिए भी बड़ी डिस्प्ले मिलना एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। एंड इसके अंदर में i7 प्रोसेसर दिया गया, एकदम ही लेटेस्ट सीरीज वाला इंटेल कोर i7 12700H प्रोसेसर है, 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने है। देखो लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप 16 GB की रैम को ही सपोर्ट करता है, विच सिंपली मींस कि इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दी गई है एंड एक्स्ट्रा SSD स्लॉट मिल जाती है हमें इसके अंदर टू एक्सपेंड दी स्टोरेज। रैम एक्सपेंडेबल नहीं है बट स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। ओके NVIDIA GeForce RTX 3060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB वाला GDDR6 विद 105 W TGP, तो एकदम ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस लैपटॉप पे एकदम ही स्मूथली नहीं रन होगा, चाहे आपने जितने मर्जी हैवी काम करने हो और जितनी मर्जी आपने हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करनी हो। विंडोज 11 दी गई है लेकिन MS Office हमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। देखो जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है ना तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एकदम ही बेस्ट होनी चाहिए। बैटरी बैकअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता गेमिंग लैपटॉप के केस में। लैपटॉप के जो एडिशनल फीचर्स है उसको चेक करें तो देखो Xbox का गेमिंग पास मिल जाता है 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है लैपटॉप, विच सिंपली मीन्स के इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जाती है लैपटॉप पे इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़िया बनाने के लिए, तो बेसिकली अगले 3-4 सालों तक ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 4 जोन व्हाइट बैकलेट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। ऑल इन ऑल आई वुड से कि बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। एंड एक और चीज है कि देखो इस वीडियो के अंदर कोई रैंकिंग नहीं चल रही कि जो लैपटॉप मैंने आपको पहले बताया फिर बाद में बताऊंगा वो ज्यादा बढ़िया होगा इससे, सारे के सारे लैपटॉप एकदम ही बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस के साथ मिलते हैं, तो आपको इनमें से जो भी लैपटॉप पसंद आए जस्ट गो फॉर इट। और हाँ इन सभी प्रोडक्ट्स के जो बाइंग लिंक्स है वो आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। Now this is Victus by HP. इसका जो करंट प्राइस है that is around 1,07,000 rupees, but normally ये जो लैपटॉप है वो अंडर 1 लाख रुपीज में सेल होता है। प्लास्टिक बिल्ड बॉडी मिल जाती है लेकिन काफी बढ़िया प्लास्टिक यूज किया गया, ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है इस लैपटॉप की। 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, 7 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, तो ऑल इन ऑल डिस्प्ले बेस्ट इन क्लास है इस लैपटॉप की। इसके अंदर भी इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया, 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, i7 11800H सीरीज का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, सारी डिटेल्स आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर इसका 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली डुअल चैनल रैम है। एंड एक और चीज है कि देखो इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, हमें 16 GB की रैम भी अगर कम लगती है तो उसे भी हम कल को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD दी गई है लैपटॉप में एंड एक्स्ट्रा SSD स्लॉट दी गई है लैपटॉप में टू एक्सपेंड दी स्टोरेज। इसके अंदर भी सेम ग्राफिक कार्ड है RTX 3060 लेकिन ये 95 W TGP वाला है, 6 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है GDDR6, विंडोज 11 हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में। देखो लैपटॉप जो है वो बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलता है हमें, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज जाती है लैपटॉप की। अलॉन्ग विद ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर हमें बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिलती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, टोटली ड्यूरेबल लैपटॉप है, जस्ट गो फॉर इट।
अगला लैपटॉप है Asus की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज का लैपटॉप Asus टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। आई नो आप में से बहुत से यूजर्स का ये लैपटॉप टोटली फेवरेट लैपटॉप है। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, 95,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। फुल साइज डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, IPS लेवल, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, sRGB 62.5%। प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया 12th जनरेशन वाला एकदम ही लेटेस्ट 12700H इंटेल कोर i7। प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपके सामने है, 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड इसकी जो रैम है वो पिछले दोनों लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया रैम है। जो अभी तक के मैंने आपको दोनों लैपटॉप बताए उसके अंदर हमें मिल रही थी DDR4 रैम 3200 MHz वाली, बट इसके अंदर हमें मिल रही है DDR5 रैम 4800 MHz वाली। एंड ऊपर से इसकी जो रैम है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग। 512GB की SSD एंड एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाती है लैपटॉप में। RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB वाला, TGP 85W, काफी तगड़ा ग्राफिक कार्ड है, परफॉर्मेंस आपको एकदम ही 20 मिलेगी इसके अंदर भी। विंडोज 11 मिल जाती है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप। एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको चेक करें तो बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है, 1 जोन RGB, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 50% बैटरी इन जस्ट 30 मिनट्स, मग स्विच प्लस ऑप्टिमस। तो ये भी लैपटॉप मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप है Acer Nitro 5, Acer की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज का लैपटॉप। 1,00,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। मेटल बॉडी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर इसके अंदर सेम है, इंटेल कोर i7 12700H, सारी डिटेल्स आपके सामने है। एंड इसके अंदर भी हमें 16GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो Acer Nitro 5 में हमें स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, 512GB की SSD मिल जाती है M.2 NVMe, एंड उसी के साथ ही 1TB की HDD मिल जाती है 5400 RPM वाली। तो मेरे अकॉर्डिंग आप में से जितने भी यूजर्स के लिए स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो ये लैपटॉप आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। बढ़िया स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है लैपटॉप में, एंड ऊपर से इसकी जो स्टोरेज दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड है, 4GB का GDDR6 95W TGP वाला। विंडोज 11 सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 3 घंटे का बैटरी बैकअप, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है लैपटॉप में, इसे भी आपने जरूर कंसीडर करना है। अगला लैपटॉप है Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप, 98,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ इंटेल प्रोसेसर वाले लैपटॉप बताए आपको, नाउ दिस लैपटॉप कम्स विद AMD Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर, एकदम ही बीस्ट प्रोसेसर है गाइस, 8 कोर 16 थ्रेड्स, बाकी प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपके सामने है। 16GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली डुअल चैनल रैम है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड है 3060 6GB का GDDR6 VRAM 95W TGP वाला विद डायनेमिक बूस्ट। विंडोज 11 MS Office हमें इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसका जो MS Office है वो 1 month ट्रायल बेसिस पे मिलेगा। डिस्प्ले इसके अंदर भी हमें फुल साइज मिल जाती है 15.6 इंचेस की, IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, sRGB 62.5%। इसके अंदर भी हमें सेम बैटरी बैकअप मिलता है 3 घंटे का सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ, 1 जोन RGB बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है, वेट बैलेंस इतना बढ़िया इस लैपटॉप का कि इसे हम सिंगल हैंड से भी ओपन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। एंड आपको इन पांचों में से सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड इन केस अगर आपको ये चीज लगती है कि इन पांचों के अलावा भी कोई लैपटॉप है जो कि मेरी लिस्ट में ऐड होना चाहिए था, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।